देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों की धार्मिक भावनाएं अब शीघ्र ही पूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन दिव्य और भव्य राम मंदिर का स्वरूप दिखने लगा है। मंदिर के भूतल का 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 20% में फर्श और खम्भों पर कलाकृतियों को उकेरने का कार्य तेजी से चल रहा है। भूतल की दीवारों पर की गई नक्काशी अपने अभिनव छटा बिखेरते हुए रामलला के भक्तों की प्रतीक्षा कर रही है, तो उस पर उकेरी जा रही कलाकृतियां प्रचलित रामायण की कथा का गान करेंगी और श्रद्धालुओं को रामायण काल का भान कराएंगी। नागर शैली में निर्मित हो रहा राम मंदिर 161 फीट ऊंचा, 350 फीट लंबा और 260 फीट चौड़ा है। मंदिर का स्वरूप आगे छोटा नृत्य मंडप, रंग मंडप, गृह मंडप की ओर और सबसे पीछे गर्भ गृह और उसका शिखर होगा। गर्भगृह में विराजमान रामलला के ललाट को चैत्र रामनवमी श्री राम जन्मोत्सव के समय 2 दिन पूर्व और 2 दिन बाद तक सूर्य की किरणें प्रकाशमान करें, इस पर गंभीरता से भी कार्य चल रहा है। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और फिर मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। इसी के साथ प्रथम और द्वितीय तल के निर्माण का कार्य भी जारी रहेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश आफले ने बताया कि राम मंदिर निर्माण का 5 वर्ष का पूरा प्रोजेक्ट था, जिसमें 3 साल पूरे हो चुके हैं और आगामी 2 साल में मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। आज 4 महीने के बाद यहाँ पधार रहे हैं। यहाँ आने के बाद आपने देखा होगा, जब पिछली बार आए थे तो मंदिर प्रारंभिक अवस्था में था। आज भूतल का पूरा हिस्सा तैयार हो गया है। भूतल में बनने वाले 170 खम्भों का निर्माण हो चुका है। सभी दीवारें जुड़ी मंडप की हो चुकी हैं। गर्भगृह तैयार हो चुका है। परिक्रमा मार्ग तैयार हो गया है। गर्भगृह में लगने वाला और वाइट मार्बल नंबर 1 क्वालिटी का लग चुका है, जिस पर अद्भुत कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं। दरवाजे के खंभे लग चुके हैं गर्भगृह के। आगे बढ़ते हैं गृह मंडप में आप देख रहे हैं, आगे जहाँ से दर्शनार्थियों को दर्शन मिलेगा उसका निर्माण लगभग पूरा हो गया है। उसके ऊपर दूसरे मंजिल का निर्माण का प्रारंभ है। नृत्य मंडप हम खड़े हैं। नृत्य मंडप का संपूर्ण निर्माण होकर के दूसरे मंजिल का निर्माण कार्य प्रारंभ है। विशेष रूप से आप खम्भों पर निर्माण का कार्य जो देख रहे हैं, वो कारीगर मूर्तियों का निर्माण, जिसको रूप काम कहते हैं, खम्भों पर स्थापित सभी मूर्तियों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। अपेक्षा है मंदिर खुलने तक दर्शन मार्ग के सभी कमरों में रूप का पूरा हो जाए, जिससे आने वाले दर्शनार्थियों को विशेष शैली की जो तो मूर्तियाँ हैं मंदिर में नागर शैली के अनुसार जो सी बी सोमपुरा जी ने बना करके दिया है, उन मूर्तियों का अपनी आंखों से अवलोकन कर सके। ये मंदिर चाहे मूर्ति के दृष्टि से हो, चाहे स्थापत्य कला के दृष्टि से हो, विभिन्न कलाओं की दृष्टि से जो इस पर नक्काशी की गई है, कलाकृतियाँ हैं, वो अद्भुत हैं, देखने योग्य हैं, बताने योग्य नहीं है। चाहे वो छत हो, चाहे वो खम्भा हो, चाहे फर्श पर लगने वाला पत्थर हो, वो मार्बल होगा, उस पर विशेष प्रकार का कार्य कलाकृति कालीन का कार्य किया जाएगा, जिसको आगे प्रस्ताव दिया जाए। नहीं, अभी कोई अधिकृत तिथि की घोषणा होगी तो आपको सबसे पहले आप लोगों को पता लगेगा, लेकिन यह विचार में है कि मकर संक्रांति के बाद यथाशीघ्र कोई शुभ मुहूर्त मिले जिसमें भगवान की प्रतिष्ठा करके उनको यहाँ जन गर्भगृह में स्थापित किया जाए। प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण भेजा जा चुका है। निश्चित रूप से ये महामंत्री जी और सबका काम है, वो क्या किए हैं वो आपको बैठे हैं बताएंगे, लेकिन निश्चित रूप से ट्रस्ट में ये विचार आया था कि प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण करना चाहिए। भेजने का काम महामंत्री जी और अन्य लोगों का है, उसके विषय में वही बता रहे। भूतल का अगर मैं बात करें जो दर्शनार्थियों के लिए हमें करना है, तो भूतल का 80% काम कम्प्लीट हो चुका है और इसमें फ्लोरिंग का काम और कुछ मूर्तियों का काम बचा हुआ है, जो कि हमारा टारगेट के हिसाब से जो दिसंबर दिया हुआ है कि दिसंबर के पहले हमें कम्प्लीट करना है, हम वो करेंगे। और अभी तक जो गर्भगृह है उसमें कितना काम हुआ है? गर्भगृह कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें जो रामलला की मूर्ति है वो करना है, उसका काम अलग से चालू है, वो ट्रस्ट डायरेक्ट कर रहा है। अच्छा सर, ये देखिए जो भूतल है इसके स्तंभों में कितनी मूर्तियाँ? भूतल के स्तंभों में अप्रोक्सीमेटली 5,000 मूर्तियाँ हैं। तीनों तल के स्तंभों में मूर्तियाँ होंगी? अभी तक पहले और दूसरे तल का बताया गया है कि इसमें रहेगा, सेकंड तल का किस तरीके से उपयोग किया जाएगा वो हम लोगों को बताएंगे। कितनी मूर्तियाँ होने जाएंगी?
दूसरे तल को मिला के ये अप्रोक्सीमेटली 6,000 हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर थोड़ा छोटा हो जाता है।